दोस्तों, जारी आईपीएल में फिर एक बार सुमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए। यदि आप भी सुमन गिल को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मोहाली के मैदान में हुए गुजरात और पंजाब बीच के मैच में पंजाब को खेमा को गुजरात ने चकमा दे दिया है। हार के बाद भी पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा ने अपनी टीम के खिलाड़ियों को गाली ना देकर विपक्षी टीम के कैप्टन हार्दिक पांड्या को ऐसी कमेंट कर दी कि जो अभी क्रिकेट जगत में सनसनी मचा रहा है। वो क्या बात है जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पंजाब जब मोहाली में पिछली बार उतरी थी तो उन्होंने 191 रन बनाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने पहले बल्लेबाजी का मौका मिला। सभी ने सोच लिया था कि पंजाब की बल्लेबाज इस मैदान में धमाल मचा देंगे, लेकिन गुजरात का इरादा तो कुछ और था। मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा और राशिद खान ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी को ऐसे बरकरार रखा कि पंजाब के लिए एक एक रन बटोरना भी नामुमकिन हो गया। गुजरात की घातक गेंदबाजी के सामने पंजाब का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा लंबा टिककर नहीं खेल सका। हालांकि मैथ्यू सर ने 34 गेंदों पर 36 रन और अंत में शाहरुख खान ने 22 रन बनाए, जिसके बदौलत पंजाब ने 20 ओवर में 153 रन ही बनाया। इस छोटी सी लक्ष्य को चेज करना गुजरात के लिए कोई कठिन बात नहीं। इस बात को पावर प्ले में ही वृद्धिमान शाह और शुभमन गिल ने प्रमाणित कर दिया। दोनों बल्लेबाज ने तूफानी बल्लेबाजी से 6 ओवर में ही 56 रन जोड़कर पंजाब की हार को लगभग सुनिश्चित कर दिया। हालांकि वृद्धिमान शाह 30 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन शुभमन गिल ने हार नहीं मानी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। अंत में आखिरी ओवर में शुभमन गिल सैम करन की बॉलों में बोल्ड हो गए। फिर गुजरात की मशहूर फिनिशर डेविड मिलर और राहुल तेवतिया ने एक गेंद रहते ही गेम को फिनिश कर दिया। अपने दमदार बैटिंग और खौफनाक बॉलिंग की दम पर गुजरात ने पंजाब को उनके ही घर में पूरी तरह से धूल चखा दी। जिस हार के बाद पंजाब के करोड़ों फैंस नाराज हैं, वहीं उनकी मालकिन प्रीति जिंटा को भी यह हार बर्दाश्त नहीं हुआ। मैच खत्म होने के बाद प्रीति जिंटा ने अपने टीमों के प्रदर्शन को लेकर बहुत निराशा व्यक्त किया। प्रीति ने कहा, मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि गुजरात इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर रहा है। आज की दमदार प्रदर्शन के लिए उनको तारीफ तो बनती है। वहीं उन्होंने कप्तान हार्दिक को लेकर ये बताया कि हार्दिक ने जब से कप्तानी संभाली है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, हर डिपार्टमेंट में वो अपनी टीम का मैच विनर बन चुके हैं। अब गुजरात बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर दे रहा है, उनसे सभी को कुछ सीखना चाहिए। निश्चित तौर पर हार्दिक गुजरात की बैकबोन है। दोस्तों, प्रीति जिंटा की ये दिल छूने वाली बात को लेकर आपको क्या लगता है? क्या हार्दिक पांडे गुजरात को दोबारा चैंपियन बना पाएंगे? हमें नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। और ऐसी शानदार खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।